नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रैक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं पुनर्वलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्किनर हैं, कोहलर हैं, हल हैं या जीन प्याजे हैं? तो क्या होगा आंसर? हो जाएगा सी नंबर, सीएल हल है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। बी नंबर में है कोहलर, तो कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था, इन्होंने वन मानस पर प्रयोग किया था। जीन प्याजे, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी नंबर, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे? ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में आया हुआ है। तो फर्स्ट है सकारात्मक दंड, बी नंबर में है सकारात्मक पुनर्वलन, सी नंबर में है नकारात्मक दंड और डी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा यहाँ नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार को पुनर्वलित करने का सबसे अच्छा समय कब है? ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में आया हुआ है। तो पहला है व्यवहार होने से बहुत समय पहले, बी नंबर में है व्यवहार होने के लंबे समय बाद, सी नंबर में है व्यवहार होने के कुछ समय बाद और डी नंबर में है व्यवहार होने के कुछ समय पहले। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर, व्यवहार होने के कुछ समय बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है? ये क्वेश्चन भी आपका एमपीटेट 2019 में आया हुआ है। तो पहला है पुनर्वलन, बी नंबर में है सुसुप्त, सी नंबर में है चंकिंग, यहाँ चंकिंग होना है, डी नंबर में है दंड। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा फर्स्ट, पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेषित करता है? जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फोन का वादा किया गया था, ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में आया हुआ है। तो फर्स्ट है नकारात्मक दंड, बी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन, सी नंबर में है सकारात्मक दंड और डी नंबर में है सकारात्मक पुनर्वलन। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, सकारात्मक पुनर्वलन। तो हल ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के पुनर्वलन के बारे में बताया था, तो जिसमें से ये आपका पहला ही है सकारात्मक पुनर्वलन। तो दो प्रकार के कौन कौन से पुनर्वलन बताए थे? तो पहला बताया था इन्होंने सकारात्मक पुनर्वलन, और दूसरा बताया था नकारात्मक नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपना काम करता है क्योंकि अगर वह काम करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा, चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका एमपीटेट 2019 में आया हुआ है। तो फर्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी नंबर में है दुष्कर उद्दीपक, सी नंबर में है प्रबलक और डी नंबर में है तटस्थ उद्दीपक। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा सी नंबर, प्रबलक या
पुनर्वलन। नेक्स्ट है, सबलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ एक ऑप्शन चेंज कर देते हैं, फर्स्ट ही कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो सबलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? हल ने किया है, कोहल वर्ग ने किया है, टोलमैन ने या स्किनर ने? तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा फर्स्ट, हल ने। हल के सिद्धांत को ही सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये इनके सिद्धांत का उपनाम है। ऐसे बहुत सारे उपनाम हैं जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जाके वीडियो देखें, तभी आपसे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल ने प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? 1965 में, 1916 में, 1917 में और डी नंबर में है 1915 में। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी नंबर, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के पुनर्वलन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है चालक न्यूनता का सिद्धांत, बी नंबर में है परिकल्पनात्मक निर्गमित सिद्धांत, सी नंबर में है जैविक अनुकूलन सिद्धांत और डी नंबर में है उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। ये सारे नाम इनके सिद्धांतों के उपनाम हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पनात्मक निर्गमित सिद्धांत और जैविक अनुकूलन सिद्धांत। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। हल का पुनर्वलन का सिद्धांत किन के सिद्धांत पर आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, बी नंबर में है अल्बर्ट बंडूरा एवं गैने, सी नंबर में है थार्नडाइक एवं पावलोव, डी नंबर में है वैलेंटाइन एवं थार्नडाइक। तो क्या होगा आंसर? हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर, थार्नडाइक एवं पावलोव। तो थार्नडाइक एवं पावलोव के सिद्धांत के आधार पर ही हल ने अपना पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। मतलब थार्नडाइक और पावलोव की थ्योरी को पढ़ने के बाद ही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हल द्वारा नहीं दिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सतत अधिगम का सिद्धांत, बी नंबर में है गणितीय अधिगम का सिद्धांत, सी नंबर में है यथार्थ अधिगम का सिद्धांत और डी नंबर में है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। तो क्या होगा आंसर? हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। तो ये इनके सिद्धांतों का उपनाम नहीं है। इनके सिद्धांतों के जो उपनाम है वो है सतत अधिगम का सिद्धांत, गणितीय अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की पुनर्व्याख्या से, बी नंबर में है सीखने की व्याख्या से, सी नंबर में है सीखने की व्याख्या के सरलीकरण से और डी नंबर में है सीखने की क्रमबद्धता से। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा सी नंबर, सीखने की व्याख्या के सरलीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार के पुनर्वलन बताए हैं? तो फर्स्ट है चार, बी नंबर में है तीन, सी नंबर में है नौ और डी नंबर में है दो। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा हमारा यहाँ दो। हल ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के पुनर्वलन बताए हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक
पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता पूर्ति के लिए हल ने निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आवश्यकता पूर्ति के लिए बताना है। फर्स्ट है आवश्यकता की अधिकता के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की कमी के लिए, और डी नंबर में है उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, आवश्यकता की कमी। तो आवश्यकता की कमी के लिए ही इन्होंने आवश्यकता पूर्ति शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर किसी चीज़ की कमी होगी तभी व्यक्ति क्या करेगा, उस आवश्यकता की पूर्ति करेगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपको किसी शादी में जाना है और अभी आपके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, तो आप क्या करोगे, दुकान जाओगे और कपड़े खरीद कर लाओगे। तो आपके आपके पास क्या थी, कपड़ों की कमी थी, फिर आपने क्या की, उसकी पूर्ति की, वो खरीद के लाए, इसके बाद ही आप शादी में जाएंगे। तो जब आपके आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है तभी आप उस चीज़ की पूर्ति कर कर क्या हो जाएगा, आवश्यकता की कमी, कि जब व्यक्ति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के अनुसार निम्न में से किसके अभाव में चालक या अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती? तो पहला है प्रोत्साहन, बी नंबर में है दंड, सी नंबर में है आवश्यकता, और डी नंबर में है बुद्धि। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, आवश्यकता। तो चालक या अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती किसके बिना, आवश्यकता के बिना। अगर कोई आपकी आवश्यकता है तो आवश्यकता कब प्रारंभ होती है, आवश्यकता होगी तभी क्या है, प्रेरक चालू होगा, मतलब चालक चालू होगा। तो जैसे कि आपको अभी आवश्यकता की क्या है, पढ़ने की है, तो आवश्यकता है तभी आपके अंदर क्या है, प्रेरणा जागी है कि मुझे पढ़ना है। तो जो प्रेरणा जागी वो हो गया आपका चालक, और आवश्यकता क्या है आपकी, पढ़ना। तो इसीलिए आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, हल का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? तो पहला है अधिगम, बी नंबर में है उद्दीपक, सी नंबर में है आवश्यकता, और डी नंबर में है अनुक्रिया। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, आवश्यकता। तो हल का सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क लियोनार्ड हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ए नंबर में है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है अमेरिका, और डी में है रूस। तो कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला है सीखने के सोच के सिद्धांत से, बी नंबर में है पुनर्वलन सिद्धांत से, सी नंबर में है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से, और नेक्स्ट है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। तो किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रबलन या पुनर्वलन सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल ने कितने स्वयंसिद्ध मान्यताओं और प्रमेयों का प्रतिपादन किया था? तो फर्स्ट है 25 स्वयंसिद्ध मान्यताओं और 100 प्रमेयों, बी नंबर में है 10 स्वयंसिद्ध मान्यताओं और 130 प्रमेयों, सी नंबर में है 17 स्वयंसिद्ध मान्यताओं और 133 प्रमेयों, डी नंबर में है निम्न में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, 17 स्वयंसिद्ध मान्यताओं और 133 प्रमेयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो फर्स्ट है सिगमंड फ्रायड के द्वारा,
जीन प्याजे के द्वारा, बी नंबर में है जीन प्याजे, सी नंबर में है हल और डी नंबर में है उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा सी नंबर, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के सिद्धांत के निम्न में से कौन से उपनाम हैं? तो आपको बताना है इनके सिद्धांतों के उपनाम कौन कौन से हैं, ये इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट है आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, बी नंबर में है प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत, सी नंबर में है निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत और डी नंबर में है उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। ये सारे नाम इनके सिद्धांतों के उपनाम हैं। नेक्स्ट है हल के सिद्धांत की निम्न में से शिक्षा में क्या उपयोगिता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बालक की आवश्यकताओं को जानने में सहायक है, बी नंबर में है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, सी नंबर में है उद्देश्यों को स्पष्ट करने में और डी नंबर में है उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ माना है? सी एल हल ने, स्किनर ने, सी नंबर में है कुर्ट लेविन ने और डी नंबर में है टॉलमैन ने। तो किसने हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्किनर ने। स्किनर ने ही कहा था कि हल का सिद्धांत सहचर के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल के सिद्धांत को निम्न में से किसने कहा कि यह सिद्धांत नपे तुले शब्दों का सिद्धांत है? ए नंबर में स्किनर ने कहा है, बी नंबर में लेस्टर एंडरसन ने कहा है, सी नंबर में क्लार्क लियोनार्ड हल ने कहा है या डी नंबर में निम्न में से कोई नहीं। तो किसने कहा है कि यह सिद्धांत नपे तुले शब्दों का सिद्धांत है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, लेस्टर एंडरसन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से हल के सिद्धांत के उपनाम हैं? तो फर्स्ट है व्यवहारवाद का सिद्धांत, बी नंबर में है गणितीय अधिगम का सिद्धांत, सी नंबर में है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत और डी नंबर में है उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक व्यवहार की घटना को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे खाली स्थान रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका MPTET 2019 में आया हुआ है। तो फर्स्ट है आपका सकारात्मक दंड, बी नंबर में है सकारात्मक पुनर्वलन, सी नंबर में है नकारात्मक दंड और डी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा बी नंबर, सकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। ये क्वेश्चन भी आपका MPTET 2019 में आया हुआ है। तो फर्स्ट है नकारात्मक दंड, बी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन, सी नंबर में है सकारात्मक दंड और डी नंबर में है लापरवाही। तो क्या होगा आंसर? हो जाएगा बी नंबर, नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज से बचा जाता है, यह खाली स्थान का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी आपका MPTET 2019 में आया हुआ है। तो फर्स्ट है नकारात्मक दंड, बी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन, सी नंबर में है सकारात्मक दंड और डी नंबर में है सकारात्मक पुनर्वलन। तो क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा बी नंबर, नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के सिद्धांत की निम्न में से कौन सी उपयोगिता है? तो फर्स्ट है दर्शन के शिक्षण में, बी नंबर में है गणित शिक्षण में, सी नंबर में है परंपरागत विचारों में, और यहाँ कार रविवार को, यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा व्यवहार। व्यवहार को व्यवस्थित करने में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करने में, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोई भी प्राणी उस कार्य को ही करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो सके तथा आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए पुनर्वलन होता है? तो फर्स्ट है G.W. आलपोर्ट, बी नंबर में है सिगमंड फ्रायड, सी नंबर में है हल, और डी नंबर में है क्रो एवं क्रो। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, हल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें।